संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि आज धन तंत्र चला रहा है सरकार को, लोकतंत्र नहीं चला रहा। तो इस संविधान को सुरक्षित रखने के लिए ये चुनाव हम लड़ रहे हैं। आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए हमने 5 न्याय 25 गारंटियां दी हैं, नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। और विधानसभा चुनाव में हमारे पार्टी की ओर से अलग से हमने 10 गारंटियां दी हैं। हिंदी में हमने कहा है हाथ बदलेगा हालात, उड़िया में हमने कहा है हाथों बदलावे स्थिति। तो ये हमारा चुनाव अभियान है। एक तरफ प्रधानमंत्री की भाषा बिल्कुल साफ हो गया है कि वो भोकलाए हुए हैं, परेशानी में हैं। अभी अडानी अंबानी और टेम्पो की बात कर रहे हैं, कभी हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, मुस्लिम लीग की बात करते हैं। उनके भाषा में जो परेशानी हम देख रहे हैं वो जान गए हैं कि जनता उनसे नाराज है, किसान नाराज है, युवा नाराज है, श्रमिक नाराज है, महिलाएं नाराज हैं और पिछड़े वर्ग नाराज हैं। तो ये चुनाव हमारे लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले 10 सालों में जो हमने देखा है, हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति, हमारे राज्यों की स्थिति, इससे बिल्कुल साफ हो गया है कि बदलाव का वक्त अभी आ गया है। और देश में अलग अलग राज्यों में जमीनी स्तर पर हमारे बीजेपी या प्रधानमंत्री के पक्ष में कोई लहर नहीं दिखाई दे रही है, कोई ऐसा वेव नहीं है। प्रधानमंत्री के भाषा में सिर्फ जहर है, लहर नहीं, सिर्फ जहर है।